मठाधीश के देहांत के बाद इस पगड़ी के हकदार शिव शिव भाई साहब ही हैं। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद रसांग पानी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदाय नमो नमः। गाँव वाले बहुत ही मानते हैं हमारे शिव को, उतना ही प्यार और सम्मान करते हैं जितना शिव के बापूजी का करते थे। बड़ी बेचैनी से इंतजार करते थे गाँव वाले यही दिन के लिए। आज बहुत ही खुश है हमारे शिव को मठाधीश की पदवी मिल जाएगी। पूजा समाप्त हो गई, अब पगड़ी की रस्म पूरी करनी है। आप शिव जी की माता जी हैं, इसलिए पहला अधिकार आपको, पगड़ी लेके शिव जी को पहनाइए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। रुक जाइए माता जी, रुक जाइए। मठाधीश बनने के योग्य नहीं है, इसने हमारे मासूम बच्चे की जान ले ली है। बेटा पर इल्जाम लगाने का तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ? मैं सच बोल रहा हूं माता जी, देखिए मेरे बेटे को कैसा नीचे ऊपर आया आपकी आंखों के सामने। यही इसका इलाज कर रहे थे, इन्होंने इसके लिए दवा बनाई थी। आज सुबह जब इसे दवा ली तो अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई, और इसके पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते अरे बच्चे ने दम तोड़ दिया। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने, तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो मां बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेटा आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहाँ से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।